मैं जलालाबाद कंडोस से। क्या कुछ रुझान रहने वाला है यहाँ से? ये गढ़ रहा है समाजवादियों का, और यहाँ से माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से लड़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर विकास बहुत कराए हैं उन्होंने। आज जो भी विकास दिख रहे हैं वो समाजवादियों की देन है, कन्नौज उन्हीं के कामों से पहचाना जा रहा है। बीजेपी कह रही है इस बार 400 बार। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। यहाँ से सांसद माननीय अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में एक पीडीए की लहर चल रही है। संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की एक जनता की अपील है, और जन समर्थन जुड़ रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 80 में 80 सीट जो है वो जीतने का दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और वो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि झूठे वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली है, जनता का रुख समाजवादी और इंडिया गठबंधन की तरफ है। लेकिन कन्नौज की अगर हम बात करें, इस वक्त मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक, और उन्हीं को टिकट दिया गया है, तो आखिर क्यों ऐसा है कि उनके साथ लोग नहीं जाने वाले हैं? बात यहाँ पे कन्नौज के सम्मान की बात है। आज जो सम्मान इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज का जो बढ़ा है, ये समाजवादियों की देन है। चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हों, चाहे स्वर्गीय श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी हों, और चाहे डिम्पल जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हों, आज जो भी विकास हुए हैं वो जहां भी जाएंगे, ये अपने कन्नौज में जितने भी काम हुए हैं, आप जहां भी जाएंगे तो देखेंगे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं, और डिम्पल जी के और माननीय नेता जी के सांसद इससे हुए हैं। तो कन्नौज एक वक्त था कि पारंपरिक सीट के तौर पर जाना जाता था। समाजवादी पार्टी के यहाँ सांसद से लेकर हर एक ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जितने भी पद हैं वो समाजवादी पार्टी के होते थे। तीनों विधानसभा में उनका विधायक होता था। लेकिन आज का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से छाई है। क्या लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। किसको वोट करने वाले? भारतीय जनता पार्टी, कमल कोल। क्यों? क्योंकि आज जो देश हमारा, जो एक हमारे भारतवर्ष का जो पहचान पूरे विश्व में बनी है, उसका एकमात्र कारण भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि इससे पहले की जो पूर्व की सरकारें थी, उन्होंने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे हमारे देश की पहचान विश्व स्तर पर बन सके। इससे हमारे ये जो देश को पहचान दिलाने की जो व्यवस्था थी, या देश को जो आगे ले जाने की जो व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व वाली सरकार से शुरुआत हुई थी। और किन्हीं कारणों से हम लोगों ने उस समय अटल जी की सरकार में बहुत बेहतरीन काम किए, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदियों को जोड़ने वाली तमाम ऐसी योजनाएं थी जो देश के विकास को भी आगे ले जा रही थी, और देश के पटल पर उनकी जो विदेश नीति थी और देश के पटल पर। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ कन्नौज हॉट सीट है, खुद एक्सीएम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौती दे पाएंगे? देखिए, जैसा कि लोगों का मानना है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, स्नाते वो चुनाव जीत लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा है कई राज्यों में कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व सांसद, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जैसे लोग भी चुनाव आ रहे हैं। ये कोई किसी की बपौती नहीं होती है कोई सीट की। यहाँ से आप मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से आप पूर्व में सांसद रहे हैं, या आपकी आपके परिवार का दबदबा रहा। इससे पहले आपकी पत्नी आ रही, आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप भी मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी पत्नी चुनाव आ रही है, तो निश्चित रूप से आप भी चुनाव आ रहेंगे। पिछली बार बस ये था, इस बार अंतर बढ़ने जा रहा है। पिछली बार आप थोड़े अंतर से आ रहे थे, इस बार आप लाखों मतों के अंतर से चुनाव आ रहेंगे। तो देखिए, एक साथ एक सीट के आसपास लोग बैठे, लेकिन दो मत के लोग यहाँ पर मिले। कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, और कोई भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीतने की बात कर रहा है। क्या कुछ रहने वाला है, किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों पसंद है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, और समाजवादी पार्टी में 1990 में विकास किया था, राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, सन 2014 में विकास किया था, आजम खां की भैंस चोरी हो गई थी उसको ढूंढवाया था अखिलेश ने। इसके सिवा किसी का विकास नहीं किया है। अभी मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे, बाबू कल्याण सिंह जी 500 मीटर की दूरी पे थे, उनके पार्थिव शरीर के दर्शन भी नहीं किए। ये विकास किया है अखिलेश ने। अखिलेश कुछ भी नहीं है, अखिलेश जीरो है। जब राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं, क्या राहुल गांधी से बड़े नेता अखिलेश हैं? ये क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ विकास किया, ऐसा उनके समर्थक कह रहे हैं। मैंने कहा तो है, भैंस चोरी वो ढुलवाना, ये विकास? और क्या भैंस चोरी ये ढुलवाना, ये विकास? अरे ये तो
इन लोगों का एक भ्रम फैलाना है जनता के बीच में। ये विकास के मुद्दे से हटकर हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं। जहां बात आती है दलितों की, तो इनके सांसद दलित को, एक तहसीलदार दलित तहसीलदार को आवास पे जाके मारते हैं। किसी लोधी को ये कहते हैं, लोधियों को, कि हमने वोट खरीदे हैं। दलित समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का वोट तोड़कर उस पे टॉयलेट करने का समाजवादियों ने काम किया था। आप दलित की बात करते हैं? बात यहाँ कन्नौज मेडिकल कॉलेज की होती है, कन्नौज के नाम पे होती है। माननीय अखिलेश जी ने यहाँ पे कन्नौज के नाम से मेडिकल कॉलेज बनवाया और उसका नाम बसपा सरकार में। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ रुझान रहने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी कन्नौज में लगातार विकास कार्य कराया है। यहाँ से डॉक्टर लोहिया जी जीते, यहाँ से मुलायम सिंह यादव जी जीते, यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया अखिलेश यादव जीते हैं और इन्होंने बिना जाति पात देखे लोगों को विकास के तक पहुँचाया। मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्होंने ये धरातल पर काम किया है। लैपटॉप वितरण योजना, कन्या विद्याधन योजना, एम्बुलेंस योजना, 100 नंबर पुलिस की योजना के माध्यम से लोगों तक विकास पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दलित तहसीलदार को मारा है, लोधी समाज को अपमानित करने काम किया है, पाल समाज के सतीश पाल एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको धमकाने का काम किया। यहां से कन्नौज के एक उद्योगपति जो कि यहां परम पूजनीय उद्योगपति वरिष्ठ है, यहां चंद्रवली जी, उनको भी बजरंगबली के नाम से उनको भी गाली देने का काम किया है। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी जो है वो नजर आ रहे हैं इस वक्त जो वर्तमान सांसद है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप किसको वोट करने वाले हैं? हम मोदी को वोट देंगे। क्यों? मोदी को वोट इसलिए देंगे क्योंकि मोदी ने इस देश से ऊंच नीच भेदभाव खत्म कर दिया। उसके बाद में देखिए, मोदी आज अगर हिंदू के लिए करता है तो मुसलमान के लिए भी करता है। देखिए, राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी ने कहा था खुले मंच से कि मैं 1 रुपया दिल्ली से बेचता हूँ, उसका 85 पैसा रास्ते में हमारे लोग खा जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके सांसद ने जो कुछ किया है, जो उन्होंने आरोप लगाए, ये सब आरोप बेबुनियाद और निराधार है। इनके खुला 1 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा, मेरे पास सभी प्रमाण हैं। तहसीलदार को मारा, ये प्रमाण मेरे पास वीडियो है, और मेरे पास एक चौकी इंचार्ज को घुस के मारा, FIR की कोई कॉपी हो, अगर एक चीज बताइए, हमें एक चीज बताइए, FIR कोई कॉपी हो लाइए, कोर्ट में खड़े हो जाइए, कोई कुछ नहीं हुआ, फर्जी है, ये सब फर्जी है। और सुनिए, वो सभी वीडियो हैं। यहाँ के जो SDM थे, सदर SDM साहब ने इस बात को माना और तहसीलदार ने अपने बच्चों का, अपने परिवार, उनकी बीवी के साथ। ठीक है, ये तो बात होगी। देखिए, अलग अलग मतों के लोग यहाँ पर मिले, हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, मैं आता हूँ आपके पास, किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव को। क्यों? विकास के नाम पर। क्या विकास किया? विकास, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस वे, जिला अस्पताल, अच्छी सड़कें। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी योगी जी मोदी जी का पूरे देश में ठीक है, लेकिन कन्नौज में, कन्नौज से सदैव माननीय अखिलेश यादव जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का लगाव रहा है। उन्होंने कन्नौज को सदैव घर माना है और कन्नौज के जो वर्तमान सांसद जी हैं वो सिर्फ किसी को गालियां देना, किसी को मारपीट करना है, पुलिस को मारपीट करना, जो पुलिस हमारी सेवा में दिन रात लगी रहती है उसको चौकी में घुसकर मारते हैं, इससे बड़ा अपमान उत्तर प्रदेश के। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती। हम एक बस में मौजूद हैं, अलग अलग मतों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों में एक श्रद्धा का भाव है, लेकिन मौजूदा सांसद के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध देखने को मिला है। हालांकि उनके समर्थक भी मेरे साथ हैं जो कह रहे हैं कि ये सारी बातें फर्जी हैं, इन दावों में कितनी सत्यता है हम जानने की कोशिश करेंगे। किसको वोट करने वाले? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? सदैव राष्ट्र हित, विकास नीति, सद्भाव, हर चीज रहती है, ना ही कोई गुंडागिरी, ना ही कोई लूट खसूट। और ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ये किया वो दिन भूल गए, इसी कन्नौज में हमने कलेक्टर में देखा कि सफाई घुसते थे, नंगा नाच होता था, चौकियों में दलाली होती थी, वो भूल गए। चौकियों थानों में बैठकर इनके दलाल दारू पीते थे, यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज बेचारा एक होमगार्ड से बदतर उसकी लाइफ हो जाती थी। लेकिन ये आरोप जो सांसद के ऊपर लगा रहे हैं लोग, ये वही लोग हैं जिनको दलाली नहीं कर पा रहे हैं, लूट घसूट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं। चलिए, हाँ, बात भ्रष्टाचार की जब आती है, ये विषय, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज जो कन्नौज में
बिजली विभाग द्वारा जो खंभे लगाए गए हैं इसका कहीं ना कहीं ठेका और सांसद जी से जुड़ा हुआ है, उनके बानोई जी के पास है, और ये जितने भी प्रतीक्षालय बने हैं सांसद जी से वो सारे उनके बानोई के ही संस्था द्वारा बनाए गए हैं। हम बताएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में खंभे तो लगते थे लेकिन तार नहीं पड़ता था, न बिजली आती थी। आज इन्होंने अभी जीजा बानोई की बात की, सांसद जी जीजा बानोई, इस प्रदेश में चार आदमियों को टिकट दी गई एक ही परिवार के, क्या कोई प्रजापति लड़ने लायक नहीं है, कोई दूसरा? ठीक है, हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर मौजूद है, वो डालेंगे आप? किसको डालेंगे? किसको? अखिलेश यादव। क्यों? क्या पसंद है, मतलब उनकी कुछ नीतियां पसंद है, कुछ बताएं किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? आप आगे पूछ लीजिए। अच्छा, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, ठीक है, आप वोट किसको देने वाले हैं? अखिलेश को। क्या कुछ अच्छा लगता है उनका? क्योंकि जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या उनकी जैसे कौन सी योजना है या कोई काम जो आपको पसंद है? जी, उन्होंने बहुत से काम किए हैं और सब पसंद है उनका, अखिलेश का। तो समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? सपा को वोट देंगे? साइकिल को? अच्छा, तो देखिए मिले जुले समर्थक जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की भी हम अगर बात करें तो जो महिलाएं जिनसे हमने बात की वो समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर नजर आ रही हैं। कुछ और लोग हैं, किसको वोट करें? मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी निश से 5 काम बता दे मुझे, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। जल्दी बताओ जल्दी। भैया जैसे कह रहे हैं कि माननीय सांसद सुब्रत पाठक का 5 काम बताया, मैं 5 काम नहीं उनको 10 काम बताऊंगा। मैं इनसे एक बात यह भी पूछूंगा कि ये डिंपल यादव का 5 काम बताएंगे तो मैं उनका 5 काम बताऊंगा। सांसद जी का 5 काम सुनिए। सांसद जी ने सबसे बड़ा एक काम ये किया कि कन्नौज में जो दंगा लूट भ्रष्टाचार होता था, समाजवादियों के गुंडे को जो थे उनको खत्म किया है, पहला काम उनका सबसे बड़ा ये रहा। दूसरा काम उनका ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ था, बोलो, आरोप लगा रहे। मैं माननीय सुब्रत पाठक माननीय सांसद जी से ये पूछना चाहता हूँ, उनसे बड़ा कन्नौज में गुंडा कौन जिन्होंने तहसील में घुस के एक दलित दरोगा को? देखिए ये एक बड़ी बात है कि मौजूदा सांसद के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोष नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप है वो पूरी तरीके से झूठे हैं। आप किसको वोट करने वाले? हम भैया बीजेपी को। क्यों? क्या पसंद है बीजेपी का? सब पसंद। कौन कोई योजना उनकी, कोई काम? सपा की सरकार में रुपया नहीं मिलता, जो 2000 रुपया भाड़ यही मिलते। आप किसको वोट कर? दादा के साथ में बीजेपी को। क्या पसंद है? अब गुंडागर्दी खत्म है, कम से कम गुंडागर्दी खत्म है। तो देखिए एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो है कि गुंडागर्दी खत्म करने की बात जो है कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अखिलेश यादव तक की बात पहुंचाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो इसी कन्नौज से 46 लड़कियां गायब हुई थी, वो लड़कियां किनकी थी? आरोप है। अब आपके आरोप का जवाब ले रहे हैं, आरोप का जवाब ले रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं, इनके नेता आरोप लगाते हैं कि कन्नौज से 46 लड़कियां गायब हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी द्वितीय पंचवर्षीय सरकार है, एक भी भाई वो परिवार अभी भी होंगे, एक भी भाई यार ये वो खुल के आए होंगे परिवार तो हमें बताएं। दूसरी बात, अब तो इनके साथ में संजू कटियार है, उनसे पूछ लीजिए कि कितनी लड़कियां गायब है, वो बता देंगे। बीजेपी से आए? समाजवादी पार्टी से, बीजेपी में है, उनसे सवाल कर ले, वो खुद बता देंगे क्या सच है क्या झूठ है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखिए ये तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार दोनों ही चरम सीमा पर थे, और जैसे ये जो भी ये आरोप लगते हैं निश्चित रूप से इनके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है, और ये सब जांच का विषय है। लेकिन एक बात अभी बीच में विकास की आ रही थी कि कन्नौज में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ मैं मानता हूँ विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन वहाँ पर भ्रष्टाचार किस पैमाने पर हुआ ये भी तो पता करिए। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसको वोट करें? समाजवादी पार्टी मान। क्यों? इसलिए कि कन्नौज में जो विकास की गंगा बहाई है वो अखिलेश यादव जी ने, जैसे पैरा मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, कुसुम खोर पर गंगा जी पे पुल बनाने का काम किया है, जो भी आज हैंडपंप सड़कें सोलर लगी हैं वो सब अखिलेश जी के द्वारा ही किया गया, इसके बाद कोई हैंडपंप कोई समर कोई सोलर नहीं लगी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थानों में सुनी नहीं जा रही, जैसे अपने गुरसाईगंज में जो कोतवाल साहब हैं बगैर पैसे के किसी की सुनते नहीं जनता की। इस सरकार
सरकार में चौकी और थानों में इतनी दलाली हो रही है कि लेकिन वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई, बहुत तो फर्जी तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ी पलटाई जा रही है, कहीं किसी को पॉइजन दिया जा रहा है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। सब जानबूझकर किया जा रहा है। किसको वोट करने वाले? अखिलेश को। क्यों, क्या पसंद है उनका? उनका सब कुछ।